है जहां गौचक नगर में भारतीय जनता पार्टी कर्णप्रयाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि यह तिरंगा यात्रा गौचर नगर के आईटीबीपी गौचर से शुरू होकर बंदरखंड और फिर वापस पार्टी कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा पूरे देश में उन महान विभूतियों की याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है, जिन्होंने अपने देश के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर सभी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हमारी तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर संपादित हो रही है और जैसा हम सब जानते हैं कि तिरंगा हमारे देश की, हम सब लोगों की मान और सम्मान का एक ध्वज है, झंडा है, जिसको निरंतर याद रखना चाहिए हम सब लोगों को। और ये जो हमारे पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा चल रही है, हमारे युवाओं को, हमारे देश के ऐसे वीर सपूतों को सम्मान प्रदर्शित करता है जिनके कारण हमारा ये देश स्वतंत्र हुआ है। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उनके सम्मान में, और उन वीर सपूतों को निरंतर ये देश की जनता, हमारे युवा और हमारा समाज याद रखे। उनकी याद में ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में संपादित हो रही है। आज हम लोगों ने गौचर के अंदर भी, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यात्रा संपादित की है। मैं समझता हूँ कि इससे एक संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा, हमारे नए लोगों के अंदर, हमारे नए युवाओं के, नई पीढ़ियों में ये संदेश जाएगा कि ऐसे वीरों को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तिरंगा हमारी मान और सम्मान, हमारी शान है, इसको निरंतर हम याद रखेंगे।